हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के 70 वर्षों के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 वर्ष का कार्यकाल भारी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई है वो मोदी सरकार ने 4 वर्षों में करके दिखाया है, जिसके चलते गरीबों के लिए नई नई योजनाएं शुरू हुई है तथा हर गाँव में बिजली पहुँची है। आज देश का गरीब बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है तथा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ स्कीम के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। जो 70 वर्षों में नहीं वो हमने 4 वर्षों में करने का प्रयास किया, चाहे वो पीजीआई सैटेलाइट अस्पताल ऊना का हो, एम्स अस्पताल का शिलान्यास बिलासपुर में किया गया हो, मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट ऊना में 20 करोड़ का मंजूर किया हो, ऊना हमीरपुर बिलासपुर में डायलिसिस की सुविधा शुरू की हो और अब हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज भी मंजूर कर दिया गया है, उसका शिलान्यास भी 16 तारीख को हो जाएगा, शिलान्यास उद्घाटन, ताकि उसके माध्यम से यहाँ पर क्लासेस यहाँ पर शुरू हो जाए, बच्चे इसी साल से एडमिशन ले सके, नए भवन का उद्घाटन भी यहाँ पर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र गत 4 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर के 8 बड़े शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, जिनमें एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईआईटी व हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज सहित पीजीआई सेंटर ऊना शामिल है। वहीं 26 नेशनल हाईवे और 4 फोर लेन भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में गत 4 वर्षों के कार्यकाल में ही स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन का शिलान्यास नवंबर माह में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊना हमीरपुर रेल लाइन का अंतिम सर्वे हो चुका है, जिसके चलते ऊना में हमीरपुर की रेल लाइन से कुल दूरी 51 किलोमीटर होगी तथा 6 स्टेशन बनेंगे। सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी हो गई है, 102 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी हो गया है, 8 करोड़ रुपया फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए मंजूर हुआ था, टेंडर होकर उसकी प्रक्रिया भी शुरू होगी, इसलिए ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन बननी ही बननी है, उसके केवल शिलान्यास का इंतजार आपको थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद जब वो अपनी डिटेल रिपोर्ट देंगे तब उसका जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस धर्मशाला में बनेगा और कक्षाएं देहरा में लगेंगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी जल्द ही किया जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते इसमें देरी हो रही है। जल्द ही प्रदेश सरकार फॉरेस्ट क्लियरेंस की कमियों को दूर करवाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा के सह सचिव नरेंद्र अत्री, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर व मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। तो बड़े स्ट्रक्चर वाले कैंपस हैं वो सारे देहरा में खुले, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक धर्मशाला में होगा, 70% हिस्सा देहरा में खुलेगा, 30% हिस्सा धर्मशाला में खुलेगा, और ये यूपीए के समय तय हो गया था जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसमें किसी की कोई दो राय नहीं कि दो कैंपस बनेंगे। देहरा में जमीन भी है, एनओसी भी हो गया है, फाइनल स्टेज की क्लियरेंस है वो अब प्रदेश की सरकार ने करके भेज दी, जो कांग्रेस ने पिछले 3 वर्षों से रोक कर रखी।